दोस्तों ये है वो सारस जिसे आरिफ से जुदा करके समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में रखा गया था और कल ही इसे वन विभाग की टीम समस्तपुर पश्चिम बिहार से कानपुर ले आई है। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि कल ही आरिफ के सारस को समस्तपुर पक्षी बिहार रायबरेली से कानपुर के लिए ले आया गया है और कानपुर में इस वक्त आरिफ का सारस मौजूद है। तो हम जगदीशपुर अमेठी से आए हुए हैं कानपुर जू आरिफ के सारस से मिलने और आप सभी को दिखाने कि आरिफ का सारस यहां किस तरह से रह रहा है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम आपको एक एक मूवमेंट दिखाएंगे और दिखाएंगे कि सारस को कहां पे किस तरह से रखा गया है। तो दोस्तों टिकट काउंटर से हमने टिकट खरीद लिया है और आइए आपको अब ले चलते हैं जू के अंदर और दिखाते हैं कि आरिफ का सारस कहाँ किस हाल में है। तो आइए चलते हैं एंट्री गेट से अंदर। तो दोस्तों हम चिड़ियाघर के अंदर आ गए हैं और आइए आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि आरिफ के सारस को कहाँ पे रखा गया है। और आज देख सकते हैं ये कानपुर में इस वक्त चिड़ियाघर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो वीडियो देर ना करते हुए आइए आपको ले चलते हैं जल्दी से आरिफ के सारस के पास। गाइज आप देख सकते हैं कि आज कानपुर जू में कितनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज संडे भी है और सारस को सुनकर भी बहुत लोग देखने आए हुए हैं। तो गाइज हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं पिंजरे में, इस पिंजरे में बहुत सारे पक्षी को बंद करके रखा गया है और यहाँ पे सारस को भी साथ में रखा गया है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ सारस किस तरह से रह रहा है और क्या वो कुछ खा पी रहा है या नहीं खा पी रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं और कैमरे को बैक करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी भीड़ है और काफी तादाद में लोग सारस को देखने के लिए खड़े हुए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और करीब से दिखाते हैं थोड़ा सा जूम करके। ये आप देख सकते हैं एक सारस यहाँ पे खड़ा हुआ है और थोड़ा सा पहचानना मुश्किल है क्योंकि यहाँ काफ़ी तादाद में पक्षी हैं। सारस की कई प्रजातियों के पक्षी को रखा गया है लेकिन फिर भी आरिफ भाई के सारस की पहचान हम आपको कराएंगे। ये एक सारस आप देख सकते हैं वहाँ पे नहा रहा है, ये देखिए वहाँ पे नहा रहा है और एक सारस ये खड़ा हुआ है। इन्हीं दोनों में से आरिफ भाई का एक सारस है कोई और हम इसके पैर से इसकी पहचान करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम पहले सारस का पैर टूटा हुआ था और काफ़ी जख्मी हालत में आरिफ भाई उसे उठाकर लाए थे। ये देखिए किस तरह से ये सारस अपने आप को खुजला रहा है और एक सारस वहाँ पे है जो काफ़ी मगन है। ये देखिए सारस देख सकते हैं कितना मगन है और ये सारस चुपचाप खड़ा हुआ है। ये देखिए ये उस सारस से दूर भाग रहा है, उसके करीब जाना नहीं पसंद कर रहा है और ये खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। दोस्तों ये दो सारस जो खड़े हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें से जो राइट साइड वाला सारस है ये सारस रायबरेली समस्तपुर पक्षी बिहार से यहाँ लाया गया है और यही वो सारस है जिसे आरिफ भाई अपने साथ रखे हुए थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता है कि जो मेरा दोस्त था सारस, उसको वन विभाग की टीम एकाएक आती है और लेकर चली जाती है समस्तपुर पक्षी विहार और पीछे पीछे हम भी जाते हैं उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। फिर थोड़ी देर
देखने के बाद वहाँ से हमको वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 20-25 दिन आप यहाँ दिखाई मत पड़ना क्योंकि आप इससे मिल नहीं सकते अब। फिर एक दिन अचानक पक्षी वहाँ से उड़ के पास वाले गांव में जाता है और जहाँ कुछ जंगली कुत्ते उसको और कुछ जंगली जानवर उसके ऊपर हमला बोल देते हैं, जहाँ एक लड़का अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाता है और उसकी जान बचाता है और फिर अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद फिर उसको दाल चावल सब्जी रोटी यही खिलाता है। तब तक पूरे गांव में मतलब हल्ला हो जाता है कि वो आरिफ वाला दोस्त यहाँ पे आ गया है। फिर गांव में से एक आदमी किसी वन विभाग की टीम को सूचना दे देता है जो समस्तपुर पक्षी विहार सलवन में है। सूचना देने के बाद फिर टीम आती है वहाँ की, उसको दोबारा ले जाके वहाँ पे बंधक बना दिया जाता है। किचन में बंधक बना के लगभग उसको 48 घंटे तक वहाँ रखा जाता है। जब पक्षी कुछ खाता नहीं सिर्फ पानी पी रहा था तो वन विभाग के हाथ पांव फिर से फूलने लगते हैं। उसके बाद उसके लिए और कोई दूसरी व्यवस्था के करने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक लखनऊ की चिड़ियाघर की गाड़ी जाती है और उसमें कैद करके उस लखनऊ चिड़ियाघर की गाड़ी थी पर उसको कानपुर चिड़ियाघर में ले जाकर कैद कर दिया जाता है, जहां वो एक पिंजरे में बंद है, बहुत ही परेशान है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, कैसे खड़ा था, मुंह खोले हुए हाँफ रहा था, इधर उधर हमको ही ढूंढा करता है और वहां पे उसका उसका भोजन नहीं मिल पा रहा, दाल चावल सब्जी रोटी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। और आप लोग सपोर्ट करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हमको वापस मिल जाए।